किसान और नाग की कहानी। एक गरीब ब्राह्मण अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था। एक दिन वह थककर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तभी उसे एक बिल से के अंदर से एक नाग निकलते हुए दिखाई दिया। ब्राह्मण ने सोचा, मुझे इस नाग को रोज पूजा करनी चाहिए, इसकी कृपा से शायद मेरे खेतों में अच्छी फसल होने लगी है। उस शाम उसने उस नाग को दूध अर्पित किया और कहा, खेतों के रक्षक, मैं आपको यह दूध अर्पित कर रहा हूँ, कृपया आप मुझे पर अपनी कृपा करें। अगली सुबह जब ब्राह्मण आया तो उसने दूध के कटोरे में एक सोने का सिक्का पाया। ब्राह्मण रोज नाग को दूध पिलाता था और नाग कटोरे में एक सोने का सिक्का छोड़ देता था। जल्द ही ब्राह्मण अमीर हो गया। एक दिन ब्राह्मण को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे से नाग को दूध अर्पित करने को कहा। लड़के ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। अगले दिन जब बेटा बिल के पास गया तो उसे सोने का सिक्का मिल गया। लड़के ने सोचा, बिल के अंदर जरूर बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे, क्यों ना मैं नाग को मारकर सारे सोने का सिक्का निकाल लूं। उस सांप को उसने सांप को लाठी से मारने की कोशिश की। नाग को गुस्सा आ गया और उसने लड़कों को डस लिया। नाग के जहर से लड़का मर गया। ब्राह्मण जब शहर से वापस आया तो उसे सारी घटना का पता चला। उसने नाग को कोई दोषी नहीं दिया। अगली शाम वह बिल के पास गया और उसने नाग को अपनी अर्पित कर दिया, दूध अर्पित कर दिया। घायल नाग ने ब्राह्मण से क्रोधित होकर बोला, तुम अपने बेटे की मौत के बारे में इतना जल्दी भूल गए और सोने के सिक्के की लालच में फिर यहाँ आ गए हो। मैं अब तुम्हारा दोस्त नहीं रह सकता। तुम यहाँ पर हर रोज श्रद्धा से नहीं बल्कि लालच की वजह से आते थे। नाग ने ब्राह्मण को एक हीरा दिया और दोबारा वहाँ आने से मना कर दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है दोस्तों कि मन के गहरे घाव कभी नहीं भरते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।